स्पाइन में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है? इसमें चार ही इंडिकेशंस हैं कि जब हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है स्पाइन फ्रैक्चर में। पहला ये कि अगर फ्रैक्चर ऐसा हुआ है जो कि नसों को दबा रहा हो, अगर नसें दब रही हैं, हाथों पैरों में सुन्नपन हो रहा है, चलने में दिक्कत है या मोशन यूरिन का कंट्रोल जा रहा है, तब सर्जरी की ज़रूरत ज़रूरी हो जाती है। दूसरा इंडिकेशन है अगर पेशेंट को 1.5 या 2 महीने हो गए हैं और उसका दर्द नहीं जा रहा हो, फ्रैक्चर बहुत पेनफुल हो, खड़े होना चलने में दिक्कत हो रही हो, तब भी इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा इंडिकेशन है अगर फ्रैक्चर अनस्टेबल हो, अनस्टेबल मतलब कि जैसे वर्टिब्रल बॉडी तो टूटी ही हो, साथ में लिगामेंट भी टूटी हो, मसल्स को भी बहुत चोट आई हो, इसमें हो सकता है कि इमीडिएटली कोई नर्व कंप्रेशन के सिम्टम ना हो, लेकिन अगर फ्रैक्चर अनस्टेबल है तो जैसे ही पेशेंट खड़ा होगा, चलने की कोशिश करेगा, तो धीरे धीरे बोन अपनी जगह से सरकती है और नसों को दबा सकती है। इस तरह की सिचुएशन में भी हमको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। चौथा रीज़न है अगर फ्रैक्चर 30% से ज़्यादा दबा हो, इसका मतलब अगर वर्टिब्रल बॉडी की हाइट इतनी होती है, मणके की हाइट अगर इतनी है और वो 30% से ज़्यादा दब गया है, तब भी हमको उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। 30% से ज़्यादा दबने के बाद जो फ्रैक्चर है वो नॉर्मली उससे पोस्चर ख़राब होना या काइफोसिस डेवलप होना या नर्व्स पे प्रेशर आना या लेट ऑनसेट न्यूरोपैलिसिस होने जैसी चीज़ें शुरू हो सकती हैं। तो ये चार सिचुएशंस हैं जिसमें कि अगर आपके MRI में या क्लिनिकली या न्यूरोलॉजिकली आपको सिम्टम्स हों तब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ज़्यादातर केसेस में अगर ये चार सिम्टम नहीं है तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू।